brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. चुनाव प्रचार तो चलता ही है, बट जो यहाँ पे एक इतना सम्मान मिला है, जो आशीर्वाद मिला है, वो आई थिंक दैट इज समथिंग जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए, कि अच्छा रिस्पांस रहेगा, पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा, और मेरे को इस बात की ज्यादा खुशी है. कंपटीशन ऑन फील्ड था नहीं, हम सच बताए थे, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेतागण हैं, वो नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों पे, उनके आदर्शों पे चलते हैं. चुनाव है और आप कंटेस्ट करेंगे और यंगेस्ट कैंडिडेट हैं, आप कैसा अभी तक का कैंपेनिंग रहा, चुनाव कैसा जा रहा है, पोलिंग अभी हो रही है, आपके थॉट्स? चुनाव प्रचार अच्छा रहा, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला, प्यार, आशीर्वाद, सम्मान, समर्थन, आप जो उसको बोलना चाहें, भरपूर मिला है. और हम ये मानते हैं कि बिकॉज हम अभी छोटे हैं, तो एक नेचुरल कनेक्ट बना है मेरा लोगों से, जिसमें कोई हमको अपनी पोती मानता है, कोई हमको नाती नतनी मानता है, कोई बेटी मानता है, कोई बहन मानता है, एक वो अनब्रेकेबल बॉन्ड जैसा बन गया है यहाँ के लोगों के साथ. और चुनाव प्रचार तो चलता ही है, बट जो यहाँ पे एक इतना सम्मान मिला है, जो आशीर्वाद मिला है, वो आई थिंक दैट इज समथिंग जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए. और आज पोलिंग का डे है, हमारा पोलिंग भी बहुत बढ़िया चल रहा है. हम मानते हैं समस्तीपुर में अभी हाईएस्ट परसेंटेज पे पोलिंग चल रहा है, जो अभी बाकी जहां पे चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा पोलिंग समस्तीपुर में ही हुआ है. सो आई थिंक कि अच्छा रिस्पांस रहेगा, पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा, और मेरे को इस बात की ज्यादा खुशी है कि जितने भी मतदाता हैं वो अपने अधिकार का फुल उपयोग कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के अपना वोट दे रहे हैं. यंगेस्ट कैंडिडेट हैं आप 2024 के चुनाव के लिए, और कैसा रहा, क्योंकि आपने ये भी कहा कि एक वॉइस भी एक आप बन रहे हैं, बनना चाहती हैं, उसके बारे में क्या इस मामले का एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लस एज अ रिप्रेजेंटेटिव? सी आई थिंक हम लोग एक उस फेज में आ गए जहां युवा शक्ति को, नारी शक्ति को जो एक आवाज बुलंदी से बनने का हक है वो पूरा मिलना चाहिए और उस पे काम करना चाहिए. मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है. एज अ यंगेस्ट कैंडिडेट हम ये बोलेंगे कि जो विजन युवाओं के पास अभी है, हम ये मानते हैं कि जब युवा राजनीति में आते हैं तो वो जो आज की जरूरत की जो अभी की आवश्यकताएं हैं, जो अभी का सिनारियो, उससे ज्यादा रेजोनेट करते हैं. उनके पास नई सोच होती है, नई उम्मीद होती है, नया जोश होता है. तो युवा को राजनीति में होना ही चाहिए, और हमको लगता है कि युवा प्रत्याशी के तौर पर हमको बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद मिला है. इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन इसलिए है क्योंकि मिनिस्टर्स हैं और आप दोनों बट कोई ऐसा कॉम्पिटिशन ऑन फील्ड था नहीं, हम सच बताएं तो, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेतागण हैं, वो नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों पे, उनके आदर्शों पे चलते हैं, उनके विचारधारा पे चलते हैं, और वो उन्हें अपना नेता मानते हैं. और जेडीयू वर्सेज जेडीयू का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि सामने वाले प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के हैं. आप अपने पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकते. और हमारे मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी जब यहां पे आए थे तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से ये बोला कि जो भी हमारे उम्मीदवार के प्रति विपरीत स्थिति में काम कर रहे हैं, और जो उनके जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं और जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो शांभवी हैं, और जो भी पार्टी के खिलाफ काम करेगा उन पर चुनाव के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी. सो हम मानते हैं कि बहुत चीज, कोई भी ग्रे एरिया नहीं बचा था, सब ब्लैक एंड व्हाइट हो गया था. और हम मानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के जितने भी तमाम लीडर्स थे, एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी नेतागण थे, सबसे हम एक अच्छा रिश्ता निभा पाए, एक बेटी का, एक बहन का, जो भी आप बोलना चाहें. और बहुत हमको प्यार और बहुत आशीर्वाद, बहुत समर्थन मिला है. कितने कॉन्फिडेंट है इस बार आपके डेब्यू में ही आप सीट निकालेंगे? 110%. प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लेते हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने आपके लिए भी कैंपेन किया, काफी बेसिस शहर की है, और अभी जब इन्होंने कल एक रोड शो किया था, उसके बाद लालू यादव फैमिली, लालू यादव ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को रोड पे ले आए हैं. कल नीतीश जी भी थे उनके साथ, और तेज प्रताप ने बोला है कि बिहार लालू यादव और इंडिया अलायंस का है. इस चैलेंज को कैसे देखते हैं?
कोई चैलेंज ही नहीं है। हम बोलेंगे कि आप लोग को फील्ड में उतर करके जो जनता जनता का प्यार है मोदी जी के प्रति और नीतीश कुमार जी के प्रति, वो कभी आपको जमीनी स्तर पर उतर के एक्सपीरियंस करना चाहिए। हम पिछले देखिए, ये लोग सब हेलीकॉप्टर में जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं और फिर कहीं रुकते भी नहीं है, कुछ नहीं, बस मंच पर से चले जाते हैं। हमारे जितने भी नेता हैं उन्होंने रोड शोज किए हैं, वो लोगों के संपर्क में आए हैं, कार्यकर्ताओं के संपर्क में आए हैं। इनफैक्ट चिराग भैया, सम्राट चौधरी जी, उमेश कुशवाहा जी, सबने एक एक रोड शो अपना दिया है, सबने सभा दी है, कार्यकर्ताओं से मिले हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो लोग ग्राउंड पे रहते हैं उनको रियलिटी पता होती है, जो ग्राउंड में उतर ही नहीं रहे उनको क्या पता। थैंक यू।